तो पकड़ो वाल। नमस्कार दोस्तों, ये फील्ड मार्शल का 8 HP में इंजन है। दोस्तों इसमें क्या हो रहा था कि ये जब स्टार्ट करो तो स्टार्ट होने के बाद में ये इसकी स्पीड जो है कम ही नहीं होती थी, एक ही स्पीड में फुल स्पीड में चलता रहता था। तो दोस्तों इसमें क्या दिक्कत आई थी आप लास्ट तक वीडियो देखें और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, जो ये असेंबली होता है तो असेंबली का जो ये राड होता है, ये इसका इसमें जंप ज़्यादा हो गई थी, चाल ज़्यादा बन गई थी। तो इसमें क्या होता था, ये पंप का और जो ये इसका गवर्नर का होता है उसको ये साथ में लेकर नहीं चल पाता था, मतलब कि इसका उसका सपोर्ट ये नहीं कर पाता था, क्योंकि इसकी जो जंप थी, जितनी जंप इसके पंप में होती है उतनी जंप इसमें खुद थी, जितनी कि पंप को चाहिए उतनी जंप इसमें जो है खुद बन गई थी, जिसकी वजह से पंप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो इसके लिए पहले तो इसको हम खोलेंगे, फिर देखेंगे, इससे अगर नहीं आएगा तो फिर इसका जो गवर्नर बेट होता है उसको हम खोलेंगे और फिर देखेंगे। स्प्रिंग तो नहीं टूटी है, तो हमको इसमें सबसे पहले नज़र आया कि इसमें चाल कुछ ज़्यादा है, मतलब जितना ज़्यादा चाहिए असेंबली में उससे ज़्यादा इसमें हमको चाल नज़र आई, इसलिए पहले हम इसी से देखेंगे कि क्या दिक्कत आई है। ये देखिए जो ये कॉमेट के इंजन छोटे होते हैं उनमें बिना फ्लाईव्हील को आप निकाले, आप जो असेंबली होती है इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन ये जो फील्ड मार्शल है क्लास करके जो 8 के इंजन होते हैं, 8 के 10 के या 12 के जो भी इंजन होते हैं, इनमें बहुत आसानी से ही आप असेंबली को निकाल सकते हैं। और देखिए जो है हमने इसको निकाला है और इसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है चाल है, जिसकी वजह से ये जो है पंप को कंट्रोल नहीं कर पाता था, क्योंकि इसका खुद इतना ज़्यादा गैप था कि ये पंप को कंट्रोल करने के लिए इसके पास बहुत ही ज़्यादा गैप था। इसलिए देखिए इसको हम पहले तो निकालेंगे। इसमें पैकिंग लगी होती है और एक लोहे की जो है पत्ती लगी होती है, तो इसको दोनों को हम निकालेंगे पहले। तो इसमें अन्ना बांड लगा था इसलिए चिपक गया है, इसको हम पेचकस से इसको हटाएंगे। ये देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कितना ज़्यादा जंप है, जबकि इसमें जंप कोई भी नहीं होता है, और इसमें जितना पंप को सपोर्ट चाहिए उससे ज़्यादा तो इसमें जंप बन गया है। हथौड़ी लेके आओ, यही सही कर दिया जी। सुम्मी हथौड़ी। हाँ देखिए इसका जो हमने चेक किया है तो इसका जो गवर्नर सिस्टम है वो बेड हो या स्प्रिंग हो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। इसमें जो दिक्कत आई है तो ये असेंबली की वजह से है, जो इसमें ये चाल ज़्यादा है ये दिक्कत यहीं से बनी थी। ये देखिए इसका जो इसमें एक पुसराड पड़ा होता है उससे हमने चेक किया है तो इसका जो गवर्नर सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है। सही से पकड़ो, भागे ना। अब देखो दोस्तों इसको क्या करेंगे हम, इसको सुम्मी से इसमें पेंच लगा होता है, जो कि कभी कभी क्या होता है जब थोड़ी जंप होती है तो चलते चलते उसमें गैप ज़्यादा हो जाता है और कट जाता है, इसलिए इसको हम सुम्मी से ठोंक के इसको हम इसका जो जंप है उसको हम ख़त्म कर देंगे।
इसको कोई लोहा ले ले, लाइन ले ले कोई, उस पर इसको रख ले और इसको चोट देकर हथौड़ी से और सुमी से इसको बिठा दें, क्योंकि इसमें एक लाख ही लगा होता है पेच। और इसको दोस्तों फुल टाइट कर दें, जंप रहे वो जंप ख़त्म हो जाए, इतना इसको आपको ठोकना है। और अगर जंप नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं आप ठोकर, अगर मान लीजिए आप ठोकेंगे फिर भी जंप इसकी नहीं ख़त्म होगी, तो आपको फिर दोबारा इसको लगाने के लिए नया ही लेना पड़ेगा, ये फिर पुराना आपका काम नहीं करेगा। अगर जंप नहीं ख़त्म होगी तो आपका जो ये असेंबली है काम नहीं करेगी बिल्कुल, इसको चलाने के लिए आपको इसकी जंप ख़त्म करनी ही होगी, अगर नहीं ख़त्म होगी तो आप नया फिर मंगा लें। देखिए इसकी जो है जंप एकदम ही ख़त्म हो गई है। और इसमें आपके पास अगर मौजूदा में कोई सुलेशन या नवांड या कुछ भी हो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ग्रीस से भी काम चला सकते हैं, ग्रीस से भी चिपक जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये जो ग्रीस या अन्नाबांड लगाया जाता है इसे असेंबली मोबिल की लीकेज ना करे और अच्छी तरह से चिपक जाए। इसको हम फिर लगा देंगे, जिस प्रकार से इसको खोला गया था उसी प्रकार से इसको हम लगा देंगे। अब इसको जो है जो इसके नट होते हैं वो बराबर से टाइट करना चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसके जो सारे पार्ट्स है जो हमने इसको सही किया है उसको हमने बांध दिया है, और इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो।
है तो हाँ रही, कोई मतलब नहीं रखे हम, कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं तवज्जो करे। हाँ हुआ कम है। हाँ हाँ हाँ